नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एजुकेशन इंडिया चैनल के एक और फ्रेश वीडियो में। यह मैच था उन दो धुरंधर रेडर्स के बीच में, या फिर कह सकते हैं उन तीन धुरंधर रेडर्स के बीच में, जो कि मैच एक फाइनल निर्णय तक पहुंच गया। ये निर्णय निकल गया और इस निर्णय में निकला कि सबसे ज़्यादा रेड पॉइंट वाले टीम का कप्तान अपनी टीम को विजय बना गया। हालांकि रेड पॉइंट ज़्यादा नहीं मिले, लेकिन एक खिलाड़ी जो कि काफ़ी पुराने तरीके से पटना के साथ जुड़ा हुआ है और अच्छा प्रदर्शन देखकर हाई फाइव अपना पूरा करके मैच को जीता गया। तो आइए बात करेंगे, लेकिन उससे पहले सब्सक्राइब करिए एजुकेशन इंडिया चैनल को और दबाइए बेल आइकन को भी, ताकि आप पाएंगे आने वाले वीडियोज के नोटिफिकेशन सबसे पहले। तो ये मैच गया था सेकेंड लास्ट रेड तक, जहाँ पर राहुल चौधरी करने आए रेड और राहुल चौधरी हो गए सेल्फ आउट और यहीं से पटना पायरेट्स जीत गई। पटना पायरेट्स अभी भी 3 पॉइंट के साथ लीड में थी और अब आए लास्ट रेड, जो कुछ ही क्षण बचे थे और रेड करनी थी पूरी। तो वहां पर पटना के कप्तान रेड करने के लिए आते हैं प्रदीप नरवाल और अपनी रेड पूरी करते हैं और सुपर टैकल की सिचुएशन में आउट हो जाते हैं और 2 पॉइंट दे बैठते हैं और इसी प्रकार से 24-23 का स्कोर लास्ट स्कोर बन जाता है। तो आइए फटाफट बात कर लेंगे कि रेड पॉइंट किस प्रकार से रहे। तो तमिल तलाईवास के 9 रेड पॉइंट, वही पटना पायरेट्स के मात्र 7 रेड पॉइंट सुपर रेड इस मैच में देखने को नहीं मिली। टैकल पॉइंट्स की अगर बात की जाए तो 11 टैकल पॉइंट लिए तमिल तलाईवास ने, वहीं 13 पॉइंट लिए पटना ने। ऑल आउट पॉइंट की बात की जाए तो एक भी टीम इस मैच में ऑल आउट नहीं हुई। एक्स्ट्रा पॉइंट की अगर बात की जाए तो तमिल तलाईवास को 3 एक्स्ट्रा पॉइंट मिले, वहीं पटना को 4 एक्स्ट्रा पॉइंट मिले। बात की जाए अब सबसे पहले पटना के रेडर्स की और डिफेंडर्स की, तो डिफेंडर्स या रेडर्स दोनों की यानी कि संपूर्ण में से ज़्यादा उभर के आते हैं जिन्होंने 5 टैकल पॉइंट वहीं 2 बोनस पॉइंट लिए। इस प्रकार से उन्होंने अपना हाई फाइव भी पूरा कर लिया और टोटल 7 पॉइंट लिए। मोनू ने 3 रेड और 1 टैकल और 1 बोनस के साथ 5 पॉइंट लिए। वहीं मोहम्मद इस्माइल ने 1 रेड पॉइंट लिया, वहीं 1 बोनस पॉइंट लिया। हादी ओस्ट्रोक ने 1 टैकल, वहीं 1 बोनस पॉइंट लिया। वहीं प्रदीप नरवाल को आज मात्र 1 पॉइंट ही अर्जित हुआ। नीरज कुमार को 1 टैकल और विकास जगलन को 1 टैकल और आशीष ने 1 रेड पॉइंट जरूर लिया। बात की जाए इसके बाद तमिल तलाईवास के रेडर्स की और डिफेंडर्स की, तो तमिल तलाईवास की तरफ से राहुल चौधरी ने सबसे ज़्यादा 5 पॉइंट, वहीं मंजित चल्लन ने 4 पॉइंट, 4 का 4 टैकल, वहीं अजीत ने 2 टैकल पॉइंट, वहीं 1 बोनस पॉइंट और इसी प्रकार से अजय कुमार ने 3 रेड पॉइंट लिए और रण सिंह ने 1 रेड पॉइंट, वहीं 2 टैकल किए। मोहित चिल्लर ने 1 टैकल। इस प्रकार से तमिल तलाईवास की रेडिंग और डिफेंडिंग देखने को मिली। तो इस प्रकार से टोटल कुल मिलाकर बात ये रही कि डिफेंडर्स का दबदबा रहा रेडर्स पर और आखिर में यह फैसला निकला कि डिफेंडिंग चैंपियन पटना पायरेट्स जीत गई। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।